ये मैं लेके आई हूँ अपने मनी प्लांट का, जो मेरा प्लांटर है वो इसके अंदर रखना है। तो पहले भी मैं एक लेके आई लेकिन वो छोटा था तो उसे वापस करना पड़ा, उसके अंदर मेरा प्लांटर आया ही नहीं। तो अभी ये मैं लेके आई हूँ जिसमें स्टैंड है ऑलरेडी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा है खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। इस तो दुकान उसके का अंदर नाम मैं ये बताओ। प्लास्टिक का पहले शीट लगाऊंगी, इसको मैंने उसके अंदर डाल के नाप लिया है। तो अब इसको ऐसे गोल काट के बेस में ये लगाऊंगी और फिर उसके अंदर प्लांटर रखूंगी। नीचे एक छोटी सी प्लास्टिक की प्लेट भी रखूंगी जिससे पानी उसमें चला जाए, तो ये काफ़ी सेफ़ हो जाएगा, पानी बाहर नहीं आएगा जब भी हम उसको वाटरिंग करेंगे। तो ये देखो प्लांटर मैंने इसके बीच में रख दिया है। इसको अभी यहाँ से मूव करना, इधर इस कॉर्नर में आएगा या फिर ये उधर लेके जाएंगे दूसरे रूम में, देखते हैं अभी क्या करते हैं। सब लोग बताना ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसी प्लांटर की वजह से बहुत देर से मैं इसको ढूंढ रही थी, एक लेके आई, पहले वो छोटा हो गया, फिर वो वापस किया, फिर इस साइज़ का मिल नहीं रहा था, तो ये अचानक लेने गए थे कुछ और स्टोर पे तो ये मुझे दिखा, सेल पे लगा हुआ था, फिर मैंने ले लिया। इसका कलर है लाइट, तो इसे हम पॉलिश कलर करेंगे बाद में ताकि ये मैच हो जाए। तो आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ चने की दाल, चने की डबल तड़का दाल। तो मैंने ऑयल में जीरा क्रैकल करने के बाद उसमें डाले हैं अनियन, अनियन को ब्राउन करेंगे। तो अनियन हमारे जब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो अब इसमें डालना है मैंने कटा हुआ टमाटर। नमक, लाल मिर्च और हल्दी ऐड करी है। तो यहाँ पर हमारा तड़का देखो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा सा बन गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, तो अब हम यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैंने मैनुअल ग्राइंडर जो है उससे ग्राइंड करके रखा है, तो ये मैं 1 टेबल स्पून इसमें अब डालूँगी, पूरा नहीं डालना है, 1 टेबल स्पून जितनी दाल है उसके हिसाब से 1 टेबल स्पून काफ़ी है। ग्रीन चिली, इसको थोड़ी देर 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दाल चने की, जो कि मैंने 2 घंटे भिगो के रखी थी। थोड़ा सा इसके अंदर दाल को भून के हमने आँच तेज़ करके इसमें पानी डालना है ताकि पानी एक बार बॉयल हो जाए, फिर हमने आँच इसकी कम कर देनी है। तो दाल सोख होने के बाद जितनी हो जाती है ना बढ़ के, उसके डबल पानी डाला है हमने, तो फूलने के बाद जितनी हो जाएगी क्वांटिटी उससे डबल पानी डालना। तो अब इसमें 2 सीटी लगवानी है हमने। इसके बाद हमने जब कुकर खोलना है तो इसको फिर खुला ही पकाना है, हम जैसे इसको पंजाबी में रिंडना बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे दाल टूट टूट के पानी में मिक्स होएगी। तो कई लोग इसको इस स्टेज पे जो है वो कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो इस स्टेज पे कई लोग इसको घोट भी देते हैं दाल को, तो वैसे भी बना सकते हैं पर मुझे इस तरह की ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप इस तरह का ट्राई करके देखना, टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा और वो कई बार जैसे कढ़ी टाइप की बन जाती है। तो अगर आप इसको नेचुरली टूट टूट के मिक्स होने दोगे, हल्की आंच पे इसको पकाओगे, तो ये कढ़ी नहीं बनेगी। तो 20 मिनट के बाद ये इस कंडीशन में आ गई है, दाल 90% घुल गई है। तो अब मैंने ये करछी ली है जो गोल है नीचे से और हैवी है, तो इससे हम हल्के हाथ से इसको थोड़ा दाल जो है उसको दानों को तोड़ने की, मिक्स करने की कोशिश करेंगे। पूरा नहीं, हम इसने कड़ी नहीं बनानी है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें मिक्स करना है जो दाना बच गया है वो।
और आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी तरह से मिक्स हुई है दाल, बिल्कुल भी पानी अलग नहीं दिख रहा है। ये देखो जब हम इसको उठाते हैं ना कड़छी में, तो पूरी दाल कड़छी में आती है, अकेला पानी नहीं आता। तो ये है निशानी की दाल अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो जब ये दाल पूरी तैयार हो जाएगी तो मैं इसमें लगाऊंगी सेकंड तड़का ऊपर से। और अब दाल में सेकंड तड़का लगाने के लिए हमने पैन रखा है, उसमें डाला है देसी घी। और जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालना है, जीरा पहले भी डाला हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा जीरा डालना है। और जब जीरा क्रैकल हो जाए तो थोड़ी सी उसमें डालनी है हींग। और फिर एंड में इसमें डाला है मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो मिक्सचर बनाया था, ग्राइंड किया था, एक चम्मच पहले डाला था ना, एक टीस्पून इसमें डालना है अपने तड़के में। और उसमें रेड सूखी लाल मिर्च डलती है, जो कि मैं आज नहीं डाल रही क्योंकि मिर्च मेरे से उसमें तेज़ हो गई है, तो फिर हम खा नहीं पाएंगे। इसमें डलेगी लाल। और अब ये मैंने तड़का लगा दिया है इसमें दाल में। और बस दाल, गरम गरम दाल बनके तैयार है, गार्निश कर दिया है हरे धनिए से। तो ये है आज का डिनर हमारा, दाल और कद्दू की सब्ज़ी साथ में रोटी। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।